नमस्कार, द इलेक्शन टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉमिनेशन का दौर जारी है और वहीं पर पार्टियां अपने अपनी कैंडिडेट की घोषणा भी कर रही है। पार्टी की ओर से जो घोषणा की गई, जो कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा गया, अगर बात करें आरुषपुरा जम्मू सौ से तो रमन भल्ला जी को उतारा, उनका मुकाबला सीधे होगा जो कि डॉक्टर नरेंद्र रैना जी से होगा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी से होंगे। और उसमें अगर बात करें बहू की तो बहू से तरनजीत सिंह टोनी का मुकाबला होगा विक्रम रंधावा से। और बात करें अगर जम्मू वेस्ट की तो भाजपा के आपने देखा कल जिन्होंने जो रैली की गई अरविंद गुप्ता जी, अब इनका सीधा मुकाबला होगा कांग्रेस की तरफ से जम्मू वेस्ट से, जिन प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी ने अपना विश्वास जताया, ठाकुर मनमोहन सिंह जी। चलिए नहीं से जानते हैं क्या मुकाबला कितना चैलेंजिंग है और किस तरह की रणनीति अपनाई है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है तो किस तरह से आपने एक रणनीति बनाई है, क्योंकि मुकाबला कड़ा है। एक तरफ भाजपा है, भले ही कैंडिडेट को नहीं, क्योंकि जब भाजपा की बात आती है लोग कहते हैं हम नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं, तो चैलेंजिंग कितनी सिचुएशन है आपके आगे? पहले तो मैं अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मेरी कांग्रेस पार्टी है, लंबा इतिहास है, और मल्लिका अर्जुन खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जी हमारी चेयरपर्सन हैं, राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, युवाओं के लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, और हमारी स्टेट की जो लीडरशिप है, सोलंकी साहब हमारे इंचार्ज हैं, मीर साहब हैं हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया के, और ये हमारे तारिक हमीद कराजी हैं जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है, जो अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जो हमारे मनोज यादव जी हैं को इंचार्ज हैं इस स्टेट के, उनके बाद विकास सूल वानी जी जो हमारे अध्यक्ष रहे, हमारे रमन भल्ला जी जो हमारे यहाँ के लीडर हैं, सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और मेरे को यहाँ का प्रत्याशी बनाया। और एक ग्रास रूट लेवल वर्कर का जो मैं लीडर हूँ, मैं 30 साल से पार्टी में, यूथ कांग्रेस में, NSUI में, और फिर मैं स्टेट में जनरल सेक्रेटरी रहा 15 साल, अब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हूँ यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। मैं सभी जितने कांग्रेस जन हमारे जो हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे साथ मिलके हमने कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद रखा। जब बुरा वक्त भी आया, एक टाइम आया कि कांग्रेस से सभी लोग भाग गए, जिन्होंने कांग्रेस का जहरा खाया पिया था वो सबसे पहले भाग गए, मोदी जी के डर से, BJP के डर से, उनकी जो गलत पॉलिसियाँ, जो ED, जो पुलिस, जो बाकी चीज़ें उन्होंने रखी हैं, जो जिनके प्रेशर से सारे कांग्रेस के लीडर भागे। लेकिन मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, हमारा जुनून था कांग्रेस के लिए, हमारा ये कर्तव्य था कि लोगों को जो बुरे वक्त में हम खड़े रहें, जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, ये जो BJP पार्टी है, ये जो फिरका प्रस्त पार्टी है और व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है, मैं उसमें खड़ा रहा। आज मेरे पे पार्टी ने विश्वास जताया है, मेरे को आज टिकट दी है। मैं सबका, जितने भी हमारे जो मेरे साथी जो हमारे साथ काम किया पार्टी में, मैंने उनके साथ काम किया, जो लोगों के हमने मसले उठाए, पिछले दिन उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए, त्राही त्राही हुई, हमने वो मसला उठाया, पानी नहीं आता है, ट्यूबवेलों की कमी है हर इलाके में, इन्होंने विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी BJP के MLO ने साथ होके, क्योंकि चुप रहे ये, क्योंकि ऐसी पॉलिसी है कि इन्होंने गरीबों को तंग करने की पॉलिसी है। राशन 11 किलो मिलता था वो इन्होंने कम किया, बाकी चीज़ें प्रॉपर्टी टैक्स अब लगाने जा रहे हैं, घरों में सफाई करने आते नहीं है लेकिन 100 रुपया अब इन्होंने 200 रुपया उसकी सफाई की है, जो दुकान की जो है वो 200 रुपया ये दुकान वालों से लेते हैं। हमारे जम्मू शहर में कम से कम भी 50,000 जो दुकानें होंगी तो 200 रुपया अब ये 500 रुपया करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को जो हम कांग्रेस जनों ने हर वक्त उठाया, और आने वाले दिनों में देखना इसका इनको मुँह तोड़ जवाब मिलेगा, और ख़ास करके जो बच्चे नौजवान बच्चे हैं जिनको ये ओवर एज हो रहे हैं, जिन्होंने MA BEd इंजीनियरिंग इतनी पढ़ाई की है, तो इन्होंने स्टेट तोड़ी, स्टेट को हमको डाउनग्रेड किया, हमारी महाराज साहब की स्टेट थी, महाराज साहब ने हमने स्टेट जैक दिया था, जो लैंड और जॉब जो प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट रखी थी, लेकिन इन्होंने जो है सब कुछ जो है बाकी लोगों के हवाले कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हमें गौरव है कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, लेकिन हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हम जम्मू कश्मीर की बेहतरी चाहते हैं, और ख़ास करके जम्मू
जम्मू वेस्ट की बेहतरी चाहते हैं, हम ऐसा ही पैटर्न चाहते हैं जैसे ले के लोग जो पैदल वहाँ से ले से दिल्ली जा रहे हैं वो लैंड की और जॉब की गारंटी मांग रहे हैं, हम भी वही लैंड की और जॉब की गारंटी मांगते हैं। हमें स्टेट बहाल करानी है, हम सबसे अपील करेंगे कि कोई नहीं, अपने बच्चों के हित के लिए इस बार जो बोर्ड है बच्चों के हित के लिए, जो भी जम्मू वेस्ट के लोग हैं वो अपने अपने बच्चे बच्चियों के लिए, अपने पोते के लिए, अपनी पोतियों के लिए, अपने दोतियों के लिए, ये क्योंकि आने वाला समय जो है बहुत ख़राब होने जा रहा है, हमारी स्टेट बहाल नहीं होगी, बाहर के लोग जो हैं तो है अमित शाह जी ने कि एक सही समय पर वापस दी जाएगी, 5 साल से कह रहे हैं। देखो ये झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉडी लोग हैं, ये बिल्कुल ही नकारा लोग हैं, क्यों इनको लोग वोट देते हैं मुझे नहीं समझ आती, मैं कांग्रेस का कैंडिडेट हूँ, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों वोट देते हैं। अपने बच्चे, 5-5 बच्चे हर एक घरों में दो दो भाई होते हैं, फैमिली जॉइंट फैमिली होती है, उनकी बच्चे, उनके पोते, उनके दोतियाँ होती हैं, वो घर में अनपढ़, वो पढ़े लिखे विदाउट नौकरी बैठे हैं, ये इतने जो है मैनोफेस्टो में तो बड़ा कुछ लाया उन्होंने, मैनोफेस्टो में ये दो पेंशन की बात भी ओल्ड एज देते हैं, ये बड़ा कुछ देते हैं लेकिन 10 साल में क्यों नहीं दिया। लोग इतने बेवकूफ नहीं है रश्मि जी, लोग इतने बेवकूफ नहीं है। लोगों को डेली वेजर का मैनिफेस्टो में तो हमने देखा नहीं, पर बाद में इन्होंने शायद एडिशन किया, इन्होंने बहुत कुछ कहना है लेकिन जो त्राही त्राही इन्होंने 50,000 हमारा डेली वेजर था वो बिल्कुल कोई टाइम टू टाइम जो है इन्होंने बिल्कुल इन्होंने तंग किया, कोई नौकरी की टाइम की वो पे नहीं दी, और ये है कि उनको ले लेना चाहिए था, उनको पक्का कर देना चाहिए क्योंकि वो सारे तो ओवरेज हो रहे हैं, खत्म हो रही है उनकी नौकरी, खत्म हो रही है, कोई 50 साल का है, 55 साल का है, जैसा भी कोई प्लान गवर्नमेंट बनाती, अच्छा सा प्लान बनाती, 25-30 हज़ार रुपया, 40 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपये उनकी पे लग जाती जिससे कि वो अपने बच्चे की बच्चियों की शादी कर देते। लेकिन उन्होंने कहा जी वो कांग्रेस वाले लगाए, हम कहते हैं गौरव से कि हमने लगाए लेकिन इनका फर्ज था उनको पक्का करना चाहिए था। आज कोई बीजेपी को वोट देने नहीं जा रहा है, आप ये बिल्कुल ध्यान में रखना, ये लोग इतने त्राही त्राही है, इतनी महंगाई है, इतना GST है, इतना टैक्स है, जो जितने सरकारी स्कूल थे सारे बंद हैं, क्लब होने जा रहे हैं, इन्होंने स्वेदी तक उन स्कूलों की नहीं कराई है, कोई वोट नहीं देने जा रहा है इनको, रोडों की हालत देखो। पर वो तो अभी भी कह रहे हैं वोट तो हमें ही मिलेगा, हम जीतेंगे, अच्छी लीड के साथ जीतेंगे, वो कहते रहे लेकिन रिजल्ट तो आना है ना, रिजल्ट तो आना है, ये दिल्ली में भी कहते 400 के पार लेकिन कहां हालत पहुंची, अब आने वाले दिनों में और बुरी हालात होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी किस तरह से सोचेगी डेली वेजर्स का, हमारे होम गार्ड्स की बात करें, अगर बात करें रहबरे खेल की, रहबरे जंगलात की, आशा वर्कर बहनों की जो सड़कों पर उतरती हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, तो किस तरह से इन सारी चीजों को कांग्रेस जो है सुलझाने का प्रयास करेगी और जनता आप पर विश्वास जताती है। देखो मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ के जम्मू वेस्ट के लोग चुन के भेजेंगे, मैं उनका इज्जत मान सम्मान पूरी रखूँगा, पूरा दिन जैसे मैं 30 साल से कांग्रेस में हर वक्त मैं कांग्रेस के खड़ा रहा, लोगों की हित के लिए खड़ा रहा, मैं आगे भी खड़ा रहूँगा, और ये जो जितने मसले हैं मैं कोशिश करूँगा कैबिनेट में हम इस मसले को उठाएंगे, इस स्टेट में स्टेट बहाल कराएंगे, उसके बाद ये स्टेट ही बहाल होगी तो ये सारे काम होने जा होंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ यहाँ की जम्मू वेस्ट की जनता को कि मेरे पे विश्वास जताना, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए करना, और जितनी इन्होंने तंग किया है पिछले 10 साल में उसको मद्देनजर रखते हुए ज़रूर कांग्रेस के हक में वोट देना, कांग्रेस इनके गरीबों की आवाज़ बन के, NCC और कांग्रेस का हमारा लाइंस है, हम आवाज़ बन के, लोगों की आवाज़ बन के, जितने भी छोटे 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 मसले हैं वो हम हल करने। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, मैं हर एक नेता से करती हूँ जो भी समय प्रत्याशी है, ये ना हो कि जनता आपको जीत के सिंहासन पर बिठाए और बाद में वही होता जो मोस्टली हो रहा है, होता भी रहा है कि जब जनता को जरूरत पड़ती या तो उनके PA से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है या फिर घंटों घंटों या कई दिनों तक वेट करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं होगा। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी 70 साल राज किया, लोगों ने 70 साल 14 टर्म लोगों ने कांग्रेस पे विश्वास जताया, इसलिए जताया कि कांग्रेस का पॉलिसी प्रोग्राम था, कांग्रेस काम करती थी, कांग्रेस ने BPL की 30-35 साल पहले स्कीम दी थी,
ठीक, उसके बाद जो बच्चे हमारे नहीं थे, बच्चों के लिए लाखों स्कूल कंट्री में खोले, इस स्टेट में इतने स्कूल है, यहाँ मैं खड़ा हूँ इसके सराउंडिंग में 20 हाई सेकेंडरी स्कूल हैं सरकारी, इन्होंने सफेदी नहीं करवाई है। एजुकेशन पे सबसे पहले हमने ध्यान देना है, नशा जो इतना फैल रहा है, ये जो बाहर के सिस्टम जो खराब है ड्यूटी बनने से, हमारी कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि 10 साल के बाद हमारी इलेक्शन हो रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने से, जो जो हर स्टेट में जो इलेक्शन है वो 5-5 साल के बाद होती है, लेकिन हमारा क्या कसूर है, हमारे डोगरों का क्या कसूर है? ये बीजेपी वालों ने, हमने 26 लोगों ने एमएलए जिता के भेजे थे कि कांग्रेस बहुत ख़राब है, ये दिन में तारे ला के देंगे, लेकिन उन्होंने इतनी तंग किया जम्मू के लोगों को और ख़ास करके जम्मू के डोगरों को, जम्मू एक एक जम्मू का डोगरा इनसे एक एक बात का बदला लेगा आने वाले दिनों में, आप देखना कि कांग्रेस जब सरकार में आएगी, कांग्रेस ने पहले भी अच्छे काम किए, आगे भी अच्छे काम करें। ये थे हमारे साथ ठाकुर मनमोहन सिंह जी, जो जम्मू वेस्ट से, जिन्हें पार्टी ने जिन पर विश्वास जताया प्रत्याशी होंगी और इनका मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी के जम्मू वेस्ट के कैंडिडेट अरविंद गुप्ता जी से। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है 10 साल बेमिसाल, पर वहीं पर लगातार हम मुद्दों को गिनवाते हैं और मुद्दों पर बात करते हैं। अगर बात करें 10 साल में डेली वेजर्स का क्या हुआ, बायोमेट्रिक से क्या डेली वेजर्स का पेट भरता है, क्या उनका घर चलता है, 9,000 में क्या परिवार चलेगा, और वहीं पर अगर बात करें हमारी आशा वर्कर्स की, होमगार्ड्स की बात करें, देश के प्रधानमंत्री जी ने उनसे वायदा किया था 2014 में कि हमारी अगर सरकार आएगी तो सबसे पहले होमगार्ड्स के साथ इंसाफ होगा, पर लगातार वो उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। बाकी अगर यूटी स्टेट्स की बात करें तो वहां पर लगभग 50,000 उन्हें मिल रहा है, और हमारे जम्मू की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की, तो महज 2700 रुपये में वो अपनी दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। तो खुद सोचिए नाइंसाफी हो रही है या ना हो रही है। अगर बात करें हमारी आशा वर्कर्स की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही जब बेटियां सड़कों पर होती हैं उन पर डंडे बरसाए जाते हैं तो नारों का क्या। वहीं पर अगर बात करें आंगनवाड़ी वर्कर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरती हैं। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, अगर जम्मू की बात करें तो उन पर भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। अगर बात करें कांस्टेबल्स की जो पोस्ट निकली है उन पर रिलैक्सेशन की लगातार बात की गई, पर किसी भी नेता के मुखर बिंदु से ये बात नहीं निकली कि कम से कम उन्हें एज रिलैक्सेशन दी जाए। जो सत्ता में होगा सवाल उन्हीं से होंगे, कल अगर सत्ता बदल जाती है तो उनसे भी थोकताल कर जनता के सवाल हम करेंगे। फिलहाल अभी तक की खबर जो है, अब जम्मू वेस्ट से मुकाबला सीधा ठाकुर मनमोहन सिंह का होगा भारतीय जनता पार्टी के अरविंद गुप्ता जी से। फिलहाल जनता क्या कहती है, जनता का आखिरी फैसला सर्वप्रिय होगा और इन नेताओं की किस्मत का पिटारा जो खुलेगा 8 अक्टूबर को, तो देखते हैं जनता किस पर अपना विश्वास जताती है और किसे नकारती है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।